आज होलिका दहन है और इस दिन होलिका की अग्नि में लावा और नारियल फेंककर अपने और अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। कुछ लोग नकारात्मक चीजों से छुटकारा पाने के लिए जो को होलिका की अग्नि में फेंकते हैं, तो वास्तव में होली केवल प्रेम आनंद का ही नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व भी है। गौरतलब है कि इस बार होलिका दहन बेहद खास है क्योंकि इस दिन मृत्यु योग, स्वार्थ सिद्धि योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग और गुरुवादित योग जैसे चार विशेष योग बन रहे हैं। आपको बता दें कि होलिका दहन के दिन लोग होलिका की राख को अपने सिर पर लगाते हैं और ऐसा करने के पीछे कई कारण होते हैं। इतना ही नहीं, होलिका की राख को घर में छिड़कने से भी घर में सुख शांति और समृद्धि का माहौल बनता है। कुछ जगहों पर लोग होलिका दहन तक उपवास भी रखते हैं और किसी भी नवविवाहिता को होलिका की अग्नि को देखने से रोका जाता है क्योंकि होलिका की अग्नि जलते हुए शरीर का अनुपात है। इसलिए नवविवाहिता को इस आग से दूर रखने का प्रयास किया जाता है और इसे अशुभ मानते हुए इसे ना देखा जाता है। ये लोग वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण बन सकता है और एक धार्मिक मान्यता है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं था। इसके लिए उसने प्रहलाद को बहुत परेशान किया और कहा कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को दे दिया। वह होलिका की गोद में बैठ गया और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई क्योंकि होलिका को ना जलने का आशीर्वाद मिला था, लेकिन जैसे ही वह आग में प्रवेश किया वह जलकर राख हो गई और प्रहलाद जीवित लौट आया। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी और तभी से होलिका दहन किया जाता है। होलिका के साथ उसके बुरे इरादों के कारण यही वजह है कि इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में माना जाता है। आपको बता दें कि बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का वध किया था।